الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما واجب الاحترام برادران اسلام محترم بزرگوں اور دوستو قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی سورت سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے دعا فرماؤ کہ مولا کریم مجھ حقیر پر تفسیر کو شرح صدر کے ساتھ اس کے مطابق بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے
और मौला करीम हर मुसलमान को मरते वक़्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाए। बुलंद आवाज़ से कहो आमीन। इस इब्तदाई आयत के अंदर अल्लाह करीम ने मुसलमानों को इस कुरान पाक का शान बतलाया है। कुरान पाक एक अजीम किताब है, एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत बरकतों वाली किताब है, बहुत अजमतों वाली किताब है। आपको भी इस बात का इल्म है कि कायनात के अंदर जितनी किताबें इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो ईसाइयों के पास इंजील हो, चाहे वो यहूदियों के पास तौरात हो, चाहे वो आसमान की किताब जबूर हो, चाहे वो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम पर जो सहीफे नाजिल हुए सहाइफ की सूरत में हो, चाहे इस दुनिया के अंदर जो तालीम इस वक्त जारी है कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, चाहे उनमें से कोई बड़ी से बड़ी किताब हो, इंग्लिश की हो, उर्दू की हो, अरबी की हो, या मेरे और आपके महबूब पैगंबर के कलाम जिसे हदीस मुबारक कहा जाता है, बुखारी शरीफ है, तिर्मिज़ी शरीफ है, नसाई शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ है, इससे बढ़कर हमारे कोई पीर और मुर्शिद की किताब है, फरमान है, इन तमाम किताबों से बढ़कर अगर किसी का मकाम और मर्तबा और अजमत है वो अल्लाह की किताब कुरान पाक है जो मेरे और आपके लिए नाजिल की गई। फिर इस किताब के लिए अल्लाह ने एक ऐसा लफ्ज इरशाद फरमाया जो मैं और आप किसी और किताब के बारे में या हमारे बड़े आबाओ अजदाद ने आज तक किसी किताब के बारे में ना कहा है और ना कह सकते हैं, वो कौन सा लफ्ज है? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताब, ये मेरा लफ्ज नहीं, ये अल्लाह का नाजिल करदा लफ्ज है कि ये जो किताब है जिसे मैं और आप कुरान पाक कहते हैं, ला रईब फी, कि ये एक ऐसी किताब है इसके अंदर कोई शक नहीं है किसी भी किस्म का। जाहिर बात है कि कोई लफ्ज हो, कोई जुमला हो, कोई तकरीर हो, या कोई हुक्म हो, कोई फरमान हो, कोई आर्डर हो किसी का, जब एक इंसान उसके बारे में कह देता है कि इसमें कोई शक नहीं, ये पक्का ठक्का है, तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह करीम ने इंजील के बारे में नहीं फरमाया कि लारैब ये लारैब किताब है, ज़बूर के बारे में नहीं फरमाया, अल्लाह ने तौरात के बारे में नहीं फरमाया, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की ज़ात पर आसमान से जो सहीफे नाजिल किए उनमें नहीं फरमाया, अगर कोई बात फरमाई है अल्लाह ने किसी किताब के बारे में, वो फकत कुरान पाक है जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला रईब फी, कि ये एक ऐसी किताब है इसमें कोई शक और शुबा है ही नहीं सिरे से। और यही इस किताब की शान है, यही इस कुरान की अजमत है, इसी के अंदर इस कुरान का मकाम है, और यही मकाम और यही बात, यही लफ्ज जब इंसान के सीने में उतरता है तो फिर इसकी अजमत समझ आती है। अगर एक इंसान के सीने के अंदर ये बात ना उतरे, एक इंसान के सीने के अंदर इसकी अजमत ना उतरे,
तो उस सीने को वो चीज़, कोई ये कलाम, ये किताब कोई फ़ायदा नहीं देता। ये किताब, ये कुरान, ये कलाम उसी सीने के मफाद में आता है जिस सीने के अंदर ये लफ्ज़ आ जाए कि ला रही बफी, के इस किताब के अंदर बोलो कोई शक नहीं, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं। जब इंसान के सीने में ये बात आती है तो फिर उसके बाद जो है इंसान इसकी अजमत को भी पहचानता है और इसके लफ्ज़ को भी पहचानता है, इसके मकाम को भी पहचानता है और इससे फ़ायदा भी उठाता है। फ़ायदा भी उसी को होता है जो इसको ला रैब किताब तस्लीम करे, बग़ैर शक के इसको तस्लीम करे। तो मेरे दोस्तों अल्लाह करीम ने इसका मकाम बतलाया और साथ ये भी बतला दिया कि इसका फ़ायदा किसको होगा। हर इंसान इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, हर इंसान को ये फ़ायदा नहीं दे सकती, हर इंसान इससे जो है अपना मकाम नहीं बढ़ा सकता, हर इंसान इससे जन्नत हासिल नहीं कर सकता। बल्कि अल्लाह करीम ने जो इंसान इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो इसके ज़रिए जन्नत में जा सकते हैं, जो इसके ज़रिए अपना मकाम बुलंद करवा सकते हैं, उनका भी अल्लाह ने इस आयत में बल्कि इस कुरान में तज़किरा फरमाया। अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया मेरे दोस्त और बुजुर्ग, दुरूद पाक पढ़े ज़रा बुलंद आवाज़ से और बुलंद आवाज़ से। आपकी दुरूद इंशाल्लाह बरकतों और रहमतों का ज़रिया बढ़ेंगे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कहो सुभान मेरे दोस्त और बुजुर्गो, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ये किताब ऐसी किताब है कि इसके अंदर कोई शक नहीं। ये तो हर आदमी कहता है कि इसके अंदर कोई शक नहीं, हर इंसान ये बात कहता है कि इसके अंदर कोई शक नहीं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। अक्सरियत गैर मुस्लिमों की भी ये कहती है कि इसमें शक नहीं। लेकिन मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, अल्लाह करीम ने अपने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि हर इंसान इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। बल्कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरमाया युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि यह कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि बहुत से इसको पढ़कर गुमराही की तरफ चले जाते हैं, बहुत से इसको पढ़ के हदायत हासिल करते हैं। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हिदायत कौन इंसान हासिल करेंगे, इसको पढ़ के जो है सीधे रास्ते पर कौन आएगा, इसको पढ़ के जो है अपने लिए जन्नत का रास्ता कौन इंसान तलाश करता है। उसके लिए अल्लाह करीम ने इसी आयत के अंदर इरशाद फरमाया, फरमा दिया मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, फरमाया ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान तक्वा इख्तियार करेगा, जो इंसान मुत्तकीन की सफ़ के अंदर होगा, जो इंसान अपना खाना पीना हलाल का करेगा, जो इंसान अल्लाह से खौफ ज़दा होगा, जिसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होगी, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, जो अल्लाह से मोहब्बत भी करेगा और अल्लाह करीम से खौफ भी खाएगा, जो इंसान दुनिया के अंदर रहन सहन मुत्तकीन तरीके से करेगा, तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि यह कुरान जो है ऐसे इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनती है। किसके लिए बनेगी? जो मुत्तकीन होगा। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, अगर एक इंसान हलाल हराम की तमीज़ नहीं करता, एक इंसान जायज़ नाजायज़ की तमीज़ नहीं करता, एक इंसान सोचता है कि हमारी जेब के अंदर हर चीज़ आती रही, हलाल आए हराम आए, कोई इंसान इसकी तमीज़ ना करे, और फिर मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों को इंसान ये सोचे कि मैं इससे हिदायत हासिल कर लूँगा, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, बल्कि ये ला रैब किताब है,
ये लाशक किताब है, इस किताब के ना किसी जबर के अंदर शक है, इस किताब की ना जेर के अंदर शक है, इस किताब के ना पेश और नुक्ते के अंदर शक है। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, अल्लाह करीम ने पहला पहला लफज इरशाद फरमाया, फरमाया अलिफ लाम मीम, कि अगर कोई इंसान इसको समझ के पढ़ता है उसको भी फ़ायदा अता करेगी, अगर कोई ना समझ से पढ़ेगा उसको भी फ़ायदा ये किताब पहुंचाती है। लेकिन मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इस किताब से सिर्फ वही इंसान हिदायत हासिल कर सकते हैं जिन्होंने तक्वा इख्तियार किया। इस किताब से कौन इंसान हिदायत हासिल कर सकता है? जो तक्वा इख्तियार करता है, जो मुत्तकी होता है। अगर एक इंसान ये सोचे कि मैं खलत मलत भी करता रहूं, अल्लाह के हुक्म को भी मानता रहूं, अल्लाह का जो इस वक्त अल्लाह के दीन का दुश्मन है शैतान, जिसको कुरान ने इरशाद फरमाया इन्नश्शैतान लिल इंसानी अदुव्वु मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और मैं उसकी बात को भी मानता रहूँ, मैं उसकी बात भी ना छोड़ूँ, गुनाह भी ना छोड़ूँ, हराम हलाल की तमीज़ भी ना करूँ और फिर मुझे हिदायत भी मिल जाए। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया हिदायत उसी को मिलेगी, हुदल लिल मुत्तकीन, जो तक्वा इख्तियार करने वाले हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के लाडले पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है, मेरे और आपके महबूब पैगंबर आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर महबूब रब्बे जुलजलाल बुलंदवास से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बुलंदवास से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह कुरान पाक जो है इंसानों की हिफाजत के लिए अल्लाह ने उतारा, ये कुरान पाक इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने उतारा, ये कुरान पाक इंसानों को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए अल्लाह ने उतारा, ये कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ने ऐसी ऐसी बरकतें अता की हैं, ऐसी ऐसी रहमतें अता की हैं कि इंसान जो है सोच भी नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आपको एक बात और बतला दूं कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब पैगंबर के सदके इस उम्मत पर बड़ा रहम किया, बड़ा करम किया, बड़ा फजल किया, इस उम्मत की शान को बड़ा बढ़ा दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये वो किताब है कि जो किताब ना हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए नाजिल की गई, इस किताब को ना हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए नाजिल किया गया। अगर ये किताब जो है उतारी गई सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे और आप के लिए अल्लाह ने इसको रहमत बनाकर भेजा। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। कंजूसी क्यों करते हो? बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज पर तशरीफ ले गया, सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जो है स्टाप हो गया, सिदरतुल मुंतहा पर जाकर सारी चीज़ें रुक जाती है, वहाँ से ऊपर के फरिश्ते अलहदा आते हैं, नीचे वाले फरिश्ते अलहदा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के लाडले पैगंबर, मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कहो, आवाज नहीं आई और बुलंद आवाज, कंजूसी क्यों करते हो? बुलंद आवाज से कहो और बुलंद आवाज से कह दो यार, हाँ जोर से कहो। अल्लाह के लाडले पैगंबर, मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के लिए अल्लाह ने दो चीज़ें ऐसी उतारी हैं जो रहमत का जो है अरश का ख़जाना है, अरश का साया है। अरश के ख़जाने से अल्लाह ने इस दुनिया को यानी मेरी उम्मत को जो है वो तोहफ़ा अता किया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो तोहफ़ा ना पहले हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता हुआ, ना वहाँ से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम 1,24,000 अम्बिया के पास अल्लाह ने उस तोहफे को नहीं भेजा। अगर वो तोहफा अता हुआ जो अरश के ख़जाने से अता हुआ, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे और आपके लिए अता हुआ, अल्लाह के लाडले पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा के साथ आयात को अपने अर्श के खजाने से नाजिल किया।
बुलंद आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। अर्श का खजाना, अर्श क्या है हमें यह भी नहीं पता कि अर्श क्या है, जहाँ पर अल्लाह की ज़ात तशरीफ़ फरमा है, जिसका मकाम जो है सारी कायनात से बढ़कर है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अर्श के नीचे एक ख़जाना है, उस ख़जाने के अंदर से अल्लाह करीम के लाडले पैगंबर की उम्मत के लिए अल्लाह ने वो ख़जाने से अपना ख़जाना अता किया। वो कौन सा ख़जाना है मेरे दोस्त और बुजुर्गों? हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल फातिहा एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने मेरे अलावा किसी उम्मत को, मेरे अलावा मेरी उम्मत के अलावा किसी को अता नहीं की। पहली उम्मतें 1,24,000 इससे महरूम रही। अल्लाह करीम इसके अंदर क्या खासियत है? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि यह ऐसी बेहतरीन सूरत है, अगर बीमार पर पढ़ के जो है दम करो, अल्लाह सेहत अता कर देते हैं। अगर इसको रिज़क के लिए पढ़ो तो अल्लाह जो है रिज़क अता कर देते हैं। अगर इसको ला इलाज मर्ज दुनिया आए, कायनात के डॉक्टर एक इंसान को जो है ला इलाज करार दे दें कि इसका इलाज नहीं, अगर कोई इंसान इस सूरत को फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 41 दफ़ा पढ़कर 41 दिन जो है अपने मरीज को पिलाएगा, तो अल्लाह करीम उस इंसान के जो है इस खजाने की बरकत से ला इलाज मर्ज से भी सेहत अता कर देगा। कितना बड़ा खजाना है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। से सहाबे कराम जो है तशरीफ़ फरमा है, सहाबे कराम जा रहे हैं, रास्ते के अंदर जो है एक बादशाह को सांप काट गया। हदीस मुबारक के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि उस बादशाह का एलची जो है, उस बादशाह का मुलाजिम और खादिम जो है नौकर और चाकर, वो भागता हुआ आया। सहाबे कराम की जमात जंगल में मौजूद थी। सहाबे कराम की जमात के पास आकर कहने लगा कि आपके अंदर कोई तबीब है कि हमारे बादशाह को सांप ने काट लिया है, हम उसका इलाज करवाना चाहते हैं। एक सहाबी उठ कर जाता है, सूरत फातिहा को 11 मरतबा पढ़ता है, पढ़ने के बाद उस पर फूंक मारता है, फूंक मारने के बाद अपना लुआब मुबारक निकालता है, निकाल कर जो है उस पर लगाता है कि वो उसको फौरन सेहत आ जाती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के लाडले पैगंबर की खिदमत अकदस के अंदर जब ये बात गई तो सहाबे कराम से पूछा, मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंदवास से कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारे पास क्या इलाज था? सहाबी कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मैंने आपसे सुना कि अल्लाह ने अपने अर्श के खजाने से हमें एक खजाना अता किया, वो खजाना सूरतुल फातिहा है, हमने सूरतुल फातिहा को पढ़ के जब उस पर लुआब लगाया तो अल्लाह करीम ने उसकी बरकत से जो है सांप सांप के जहर को खत्म कर दिया। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अभी करंट पैदा नहीं हुआ आप में, और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह करीम के लाडले पैगंबर मेरे और आपके महबूब कायद बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल बकरा की आखिरी तीन आयात, दरमियान वाली तीन आयात और इब्तदा वाली चार आयात, इन 10 आयात को अल्लाह ने अर्श के ख़जाने से नाजिल किया। अगर कोई इंसान ये 10 आयात को पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, तो शाम तक जो है शैतान के हर किस्म के हमले से महफूज रहता है। पहली आयात 4 हैं, दरमियान वाली आयात आयतल कुर्सी से शुरू होकर ख़त्म रकू तक 3 आयात हैं, आखिरी 3 आयात आमन रसूल से ख़त्म होकर शुरू होकर इस सूरत के इख्तिताम तक है। अगर कोई इंसान ये सुबह शाम जो है ये 10 आयात पढ़ने का मामूल बना ले, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह करीम के लाडले पैगंबर मेरे और आपके महबूब कायद बुलंद आवाज से को सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 10 फजीलतें इसकी बताई हैं कि यह अर्श का खजाना है। सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अर्श का खजाना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तो खजाना ही खजाना है, लेकिन हम इस खजाने को हासिल कर सके तो तभी है ना। आपने एक मिसाल देता हूं भी, एक फॉर्म है ना, फॉर्म अगर उसमें आप पानी डालोगे तो फॉर्म जज़ब करेगी। अगर ये प्लास्टिक है, इस पर आप पानी डालते रहो ये जज़ब नहीं करेगी। आज हमारे दिल प्लास्टिक के बन गए,
कोई भी अल्लाह की रहमत आती रहे, अल्लाह की बरकतें आती रहें, हमारे दिल के अंदर जज़्ब ही नहीं होती, हमारे गुनाह ही इतने हो चुके हैं, हमारे दिल स्याह हो चुके हैं। अगर हम अपने दिलों की सफाई करें, हदीस मुबारक के अंदर आता है मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद वास्ते को सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के लाडले पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि इंसान के दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लगता है। लोहे के जंग को उतारने के लिए जो है एक इंसान जो है वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है, कोई उस पर तेजाब डालता है, कोई उसको जो है रेग माल से साफ करता है, लेकिन इंसान के दिलों का जंग जो है मेरे दोस्त और बुजुर्गों वो भी मुख्तलिफ तरीकों से साफ होता है। पहला तरीका मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद वास्ते को सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला तरीका ये है कि अगर इंसान से कोई गुनाह हो जाए तो फिल फौर नेकी कर ले ताकि उस गुनाह का जो है जो नुकता है स्याही है वह धुल जाए। दूसरे नंबर पर अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करे। तीसरे नंबर पर तिलावत करे। और सबसे ज्यादा जो जंग को उतारने वाली चीज है वो इंसान के लिए मौत है कि अपनी मौत को याद करे। हमने मरना है। जब मैं और आप अपनी मौत को याद करेंगे तो इंशाल्लाह हम गुनाहों से बहुत जल्दी बचेंगे, शैतान से जल्दी बचेंगे। एक नुस्खा ये है। दूसरा नुस्खा मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान सुबह के वक़्त 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मेरे दोस्त और बुजुर्गों 10 मरतबा पढ़ने से जो है एक मिनट सरफ़ होता है। अल्लाह के लाडले पैगंबर मेरे और आपके महबूब कायद बुलंद आवाज़ से कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे उम्मती सुबह 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ना तेरा काम है, सुबह से शाम तक शैतान से महफूज रखना सूरत इखलास का काम है, रात को 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ना तेरा काम है, रात से लेकर सुबह तक शैतान से बचाना सूरत इखलास का काम है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज़ से कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुबह उठते ही आयतुल कुर्सी पढ़ना तेरा काम है, शाम तक आयतुल कुर्सी के जिम्मे है तेरी हिफाजत करे, रात को आयतुल कुर्सी पढ़ना तेरा काम है, रात से सुबह तक आयतुल कुर्सी की जिम्मेदारी है कि वो तेरी हिफाजत करे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों मेरे और आपके महबूब पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें कितना आसान नुस्खा बतलाया, एक मिनट जो है आप सरफ करके आयतुल कुर्सी को तवज्जो के साथ पढ़ने, सारा दिन आयतुल कुर्सी तुम्हारी हिफाजत करेगी। रात को जो है मगरिब के बाद एक मिनट सरफ करके आप आयतुल कुर्सी पढ़ लो, सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करेगी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों अल्लाह के लाडले पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हर फर्ज के नमाज के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी अल्लाह की रजा के लिए पढ़ेगा, अल्लाह करीम उसको जो है दो नेमतें अता करेंगे। पहली नेमत यह है कि उसकी रोजी जो है उसकी रोजी कुशादा कर दी जाएगी, दुनिया के अंदर उसको रोजी की तंगी नहीं आएगी, दुनिया के अंदर उसको रिजक की परेशानी नहीं आएगी। दूसरी मेरे दोस्त और बुजुर्गों अल्लाह के लाडले पैगंबर बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूसरी नेमत बतलाई कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा मरने के फौरन बाद अल्लाह करीम उसको अपनी ज्यारत कराएंगे। इतना कीमती नुस्खा सुबहानल्लाह आपके मुंह से ऐसे निकला जैसे आपको ज़रूरत नहीं है। और बुलंद आवाज़ से कहो सुबहानल्लाह। आप इसमें कंजूसी ना किया करें, जितना सुबहानल्लाह कहोगे इंशाल्लाह आपकी फजीलत आपकी नेकियाँ बढ़ेंगी, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, आपकी नेकियाँ बढ़ेंगी। बुलंद आवाज़ से कह दो सुबहानल्लाह। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों कितना कीमती नुस्खा है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ो, रिजक की तंगी भी ख़त्म होगी और जैसे रूह परवाज करेगी फौरन अल्लाह करीम की ज्यारत होगी। जो इंसान अल्लाह की ज्यारत कर लेगा वो जहन्नम में जा सकता है? नहीं जा सकता।
और जिसको अल्लाह मरने के फौरन बाद अपनी ज्यारत करा दे उसको अजाब कब्र का अजाब होगा नहीं होगा, वो कब्र के अजाब से भी महफूज हो जाएगा, मौत की सख्ती से भी महफूज हो जाएगा, हशर की सख्ती से भी महफूज हो जाएगा और जहन्नम से भी महफूज हो जाएगा, जन्नत के महल्लात में पहुँच जाएगा। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल्लाह।